नमस्कार, मैं दीपाली निगम, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा महिला महाविद्यालय किदवई नगर कानपुर से आप सभी के समक्ष आज स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पीपीटी के द्वारा बात करूंगी। यह बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। तो स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में हम ध्यान से अगर पढ़ें तो यह वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव शरीर का पूर्ण अध्ययन सम्मिलित है। पूर्ण अध्ययन यानी कि शारीरिक मानसिक पूर्ण अध्ययन, शारीरिक मानसिक और एक और पहलू है मानव शरीर के अलावा, वो है सामाजिक। हम उस पूर्ण अध्ययन की बात करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ जो है बहुत ही व्यापक है। आज के समय में ये कहा जाए कि स्वास्थ्य शिक्षा वह अभियान है जो जन साधारण को ऐसे ज्ञान व आदतों के सीखने में सहायता प्रदान करता है जिससे वे स्वस्थ रह सकें। स्वास्थ्य शिक्षा से जनसाधारण की बदलती हुई अवस्थाओं में स्वस्थ रहकर समस्याओं का धैर्य से सामना करना ही जो स्वास्थ्य शिक्षा है, जो आज के परिवेश में जो बदलती हुई चुनौतियां हो रही हैं, बदलते हुए परिवेश में जो चुनौतियां हो रही हैं उनका सामना करते हुए यदि व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो वो अध्ययन भी स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध जो है छात्र और अध्यापक तक सीमित नहीं है, वो समाज से जुड़े हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। ये माना जा सकता है कि विद्यालय में छात्राओं को और छात्रों को शिक्षक द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ दी जाती हैं और यह आम शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। शारीरिक शिक्षा में भी स्वास्थ्य शिक्षा महत्वपूर्ण भाग है। स्वास्थ्य शिक्षा वह शिक्षा है जो स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करने तथा इनके आवश्यकताओं से मेल खाते उचित व्यवहार के को सुझाने के लिए दी जाती है। यानी कि हम अपने आचरण में भी बदलाव लाएं, स्वास्थ्य शिक्षा ये हमें बताती है कि हमें अपने अंगों की तंत्रों की स्वस्थता तो के साथ साथ अपने व्यवहार में भी अपने परिवर्तन लाना है। तो ये स्वास्थ्य शिक्षा एक व्यापक रूप है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्वास्थ्य का पहलू मानसिक है क्योंकि ये हमारे मन से भी जुड़ा हुआ है, सामाजिक है क्योंकि ये समाज से भी जुड़ा हुआ है। आगे स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में हम विभिन्न परिभाषाओं को भी देखेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा का अभिप्राय शरीर के सभी अंगों तथा तथ्यों का परस्पर संतुलन, समन्वय और उनका उचित प्रकार से क्रियान्वयन है। स्वास्थ्य निरोगी काया का द्योतक है। जो व्यक्ति निरोगी है वो उसके पास सबसे बड़ा धन है। कहते हैं ना, पहला धन निरोगी काया, दूसरा धन जो घर में हो माया। माया तो बाद में आएगी, यदि आप स्वस्थ रहेंगे तभी उस माया का उपभोग कर सकते हैं, पर यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप किसी भी प्रकार के धन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य निरोगी काया का द्योतक है, जबकि स्वास्थ्य रहित व्यक्ति रोग धारित जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होता है। जो अस्वस्थ व्यक्ति है वो समाज में और उसके जीवन में जो खुशियां हैं उनका भी भरपूर यूज़ नहीं कर पाता, उनको भरपूर तरीके से जी नहीं पाता है क्योंकि वो अस्वस्थ होता है। स्वास्थ्य व्यक्ति की वह मनोशारीरिक दशा है जिसके अंतर्गत वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रसन्नचित रहता है। आगे डेफिनेशंस के बारे में देखें। WHO ने बहुत पहले ही ये स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा दी थी। ये 1957 में ही उन्होंने कहा था कि 54 में अपनी तकनीकी रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य रोग तथा निर्बलता का अभाव नहीं वरन शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। जो लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के बारे में जानने में सहायता प्रदान करती है, लोगों को उचित व्यवहार और उचित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें उत्तम दृष्टिकोण विकसित करना होगा और अपने डे टू डे लाइफ में अपने ज्ञान को, अपने रवैये को, यानी कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें बदलाव लाना होगा। और स्वास्थ्य शिक्षा का अगर व्यापक पहलू देखें, जैसे मैंने कहा तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी WHO ने बताई हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। शारीरिक कल्याण इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति मन आंगिक रूप से स्वस्थ है वही शारीरिक रूप से स्वस्थ है।
जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, यानी कि उसके अंदर किसी प्रकार का भय नहीं, कोई डर नहीं, क्रोध नहीं, वो सामान्य रूप से जीवन जी रहा है और सारे मानसिक रोगों से दूर है, तो उसको मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जाएगा। सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वो कहलाता है जो समाज के साथ जुड़े रहकर उसके साथ उनके क्रियाकलापों में सम्मिलित होता है और रोज़मर्रा के जीवन में अपने दैनिक कार्यों को बहुत ही भली भांति के साथ संपादित कर रहा होता है। अन्य शब्दों में कहा जाए, स्वास्थ्य जीवन का वह आवश्यक गुण है जो व्यक्ति को अधिकाधिक काल तक उचित दशा से जीने के लिए सर्वोत्तम मार्ग प्रशस्त करता है। थॉमस वुड के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा व दूसरी जगहों पर हुए उन सारे अनुभवों का सार है, स्कूल व दूसरी जगहों पर हुए उन सारे अनुभवों का सार है जो व्यक्ति व समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी आदतों, रवैयों और ज्ञान पर सुखद प्रभाव डालती है। यानी कि व्यक्ति अपने आसपास के माहौल में जो स्वच्छता रखता है, सफाई रखता है, अपनी आदतों से अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाता है और अपने उसके जो रिजल्ट होता है उससे उसके ज्ञान पर सुखद प्रभाव पड़ता है। यानी कि हम अगर डे टू डे लाइफ में अच्छे व्यवहार को अपनाना चाहते हैं, अपने साथ अच्छा व्यवहार चाहते हैं, अपने आसपास सफाई चाहते हैं, तो हमें स्वयं में वो बदलाव पहले लाना पड़ेगा। मानव की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं की एकता हमारे स्वास्थ्य पर ही डिपेंड करती है। स्वस्थ व्यवहार को संभव बनाने के लिए लोगों को अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। सोफी के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि वो सारा अध्ययन जो हमारे स्वास्थ्य के लिए है वो स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित है और वही स्वास्थ्य शिक्षा है। स्वास्थ्य शिक्षा की समय समय पर बहुत से लोगों ने कई सारी डेफिनेशंस दी हैं। इसमें थॉमस वुड भी हैं, इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन भी है और सोमर्स भी हैं, सोमर्स ने भी दी है, सोफी ने भी दी है। जब आप इसकी स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन की आप बुक उठा के देखेंगे तो आपको नए सारे चीज़ें पता चलेंगी। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में और कई बार लोगों ने स्वास्थ्य शिक्षा के कई तरीके से उद्देश्य बताए हैं। यहाँ मैं कुछ परिभाषाओं के आधार पर जो उद्देश्य हैं स्वास्थ्य शिक्षा के उनको यहाँ बताना चाहती हूँ, जिनमें सबसे पहला जो है लोगों को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना या नियमों की जानकारी देना। अनुसंधान के समय पर जो वैज्ञानिक जानकारियाँ जुड़ी और ये पाया गया कि स्वास्थ्य शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है कि जन साधारण तक स्वास्थ्य संबंधी सामान्य नियमों की जानकारी पहुँचाई जाए। जनसाधारण को ये समझ में आए कि वो अपने स्वास्थ्य सफाई और स्वास्थ्य सफाई के प्रति अज्ञानता को दूर करें और गलत धारणाओं और अंधविश्वास को दूर करके अपने जीवन में स्वास्थ्य संबंधी सुधार लाएं और नियमों को अच्छे से पालन करें। जैसे लोगों को अंधेरे कमरे में नहीं रहना चाहिए, वहाँ पर वेंटिलेशन होना चाहिए और खुले में शौच नहीं करना चाहिए। ये सारे स्वास्थ्य संबंधी आते हैं जिनकी नियमों की जानकारी प्रत्येक जनसाधारण को होनी चाहिए। आज भी गांवों में सरकार द्वारा शौचालय बनवाने की सुविधाएं अब दी जा रही हैं और लोगों को रोका जा रहा है बाहर शौच करने के लिए। आप देखते होंगे कि नगरों में सुलभ शौचालयों की व्यवस्था है और घर भी बहुत ही वेंटिलेटेड बनते हैं जहाँ पर पूरी तरीके से हवा आ जा सके और वो हमारे स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डालती है। तो लोगों को छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के बारे में समय समय पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेरित करती रहती है, जो कि स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख और परम उद्देश्य है। सामान्य रोगों की जानकारी तथा उससे बचने के उपायों का ज्ञान प्रदान करना भी सबसे स्वास्थ्य शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सामान्य रोगों की जानकारी जैसे कि फ्लू, नॉर्मल फ्लू के बारे में, और आप ऐसे देख सकते हैं छोटी छोटी जैसे चेचक है, आजकल चिकन पॉक्स के बारे में जो बदलते मौसम के समय पे बच्चों को होती है, तो ऐसे में लोगों तक उस जानकारी को बताना स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना, उचित ज्ञान प्रदान करना, कम्युनिटी हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्थ एजुकेशन। जैसे कि हम आज पैंडेमिक की सिचुएशन में देख रहे हैं कि एक बहुत ही गंभीर बीमारी और ये पैंडेमिक जो है वो महामारी के रूप में फैला हुआ है, कोविड-19
पूरे विश्व में, जिसके लिए सामुदायिक हेल्थ के बारे में यानी कि कम्युनिटी हेल्थ के बारे में सरकार द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, जन जन तक सूचनाओं को पहुंचाया जा रहा है। आप देखेंगे कि एक ऐप है जिसको आरोग्य सेतु ऐप कहते हैं, वो सबसे डाउनलोड करने के लिए कहा गया, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को कहा गया करें और थूकने से मना किया गया कि हम बहुत ही खुले में थूके नहीं, और इसके लिए कई नियम भी बनाए गए हैं। मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया गया, यदि आप घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहन के निकलें, घर में कोई भी चीज़ लाते हैं तो उसको प्रॉपर सैनिटाइज करें। तो इस तरीके की छोटी छोटी जानकारियाँ भी सामुदायिक हेल्थ जो कम्युनिटी हेल्थ है उसमें पहुँचाई जा रही हैं और जन जन तक उनका प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। और ये प्रचार प्रसार तभी संभव है जो सोशल मीडिया आज एक्टिवेट हो रहा है, बहुत हद तक इसमें कारगर साबित हो रहा है। और देखिए आप, हमें और आपको इसकी जानकारी प्रतिदिन नए नए रूप में मिल रही है, समाचार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। साथ ही साथ स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है पौष्टिक एवं संतुलित आहार के बारे में जानकारी देना, लोगों को पौष्टिक आहार के लिए प्रेरित करना और उनसे ऐसे दिनचर्या अपनाने के लिए कहना जिसमें वो हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ हेल्दी फूड हैबिट्स को भी अपनाएं। भारत में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर आज भी कुपोषण का शिकार हो रहे हैं बच्चे, और वहां पर उनको न्यूट्रिशन के बारे में बहुत अधिक ज्ञान नहीं है। तो ऐसे में स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य हो जाता है कि वो जन जन तक पौष्टिक एवं संतुलित आहार के बारे में जानकारी दे। अब ये जानकारी जन जन तक कैसे पहुँच सकती है, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि टेलीविज़न ये एक तो माध्यम है, जिनके यहाँ टेलीविज़न नहीं है, जो गांव में लोग हैं वहाँ पर आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं, जो आशा बहनें हैं वो जाकर घर में स्वास्थ्य, जो छोटे छोटे एनजीओज हैं वो जाके घर घर में बताते हैं और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज के समय में एनजीओज हमारे साथ, जो बड़े बड़े स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, छोटी छोटी भी संस्थाएं, वो भी इसमें जन जागरण का काम कर रही हैं स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में। तो साथ ही साथ अच्छी आदतों का निर्माण करना भी स्वास्थ्य शिक्षा का एक और उद्देश्य हो जाता है कि व्यक्ति विशेष के अंदर ऐसी आदतों का निर्माण किया जाए जो कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल के ओर अग्रसर हो। यह काम घर से तो शुरू होता है, परिवार हमारा जो है वो प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र बनता है, और माँ बाप बच्चे के अंदर छोटे से ही ऐसी हेल्दी हैबिट्स को पैदा करने की कोशिश करते हैं जिनसे वो हेल्दी बन सकें, स्वस्थ रह सकें और लंबे समय तक बिना किसी रोग के जीवन व्यतीत कर सकें। हेल्दी हैबिट्स में स्कूल और कॉलेज भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, समय समय पर वो ऐसी एक्टिविटीज़ को करवाते हैं। आजकल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं और जो हिंदी मीडियम स्कूल हैं और जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो मिड डे मील्स के माध्यम से लोगों तक पौष्टिक और संतुलित आहार के बारे में भी जानते हैं, जानकारी पहुंचा रहे हैं, और छोटी छोटी ऐसी क्रियाकलाप होते हैं जो हेल्दी हैबिट्स को इनकलकेट करते हैं, जैसे कि स्कूलों में बच्चों के सुबह नेल्स कट करे, नाखूनों को चेक किया जाता है कि उन्होंने नेल्स कट करके आ रहे हैं कि नहीं, उनकी प्रॉपर ड्रेस साफ है कि नहीं है। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक होती हैं और जो कि स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। ऐसे ही स्वास्थ्य शिक्षा के और भी अनुदेश हैं जिसमें कि व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास यानी कि उसका शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास भी सम्मिलित है। अब हम यहाँ बात करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा के अन्य सिद्धांतों के बारे में। स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत जो कहें रुचि, इसलिए मैं कह सकती हूँ क्योंकि यदि व्यक्ति विशेष के अंदर रुचि नहीं है किसी चीज़ को सीखने के, तो आप उसे फोर्सिबली कोई चीज़ नहीं सिखा सकते हैं, और रुचि होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बिना रुचि के हम किसी के अंदर एक अच्छी आदत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हम उसको उस ओर अग्रसित जरूर करें, जैसे कि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अधिकतर जनता उन बातों के प्रति ज़्यादा गंभीर होती है जिसमें वो रुचि लेते हैं, और जिसमें वो गंभीर नहीं होते हैं उसमें वो रुचि भी नहीं लेते हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में कमी रहती है।
स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने वाले अधिकारी कर्मचारी, उनका सबसे पहला कर्तव्य हो जाता है कि जनता में स्वास्थ्य कार्यक्रम जो चल रहे हैं उनके प्रति रुचि पैदा की जाए। जनसाधारण तक ऐसे कई कार्यक्रम होते हैं जो स्वास्थ्य शिक्षा के सरकार द्वारा जो बनाए गए हैं उन तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि जन सामान्य पब्लिक के अंदर, नॉर्मल पब्लिक के अंदर उनके बारे में रुचि उत्पन्न करना। जैसे कि पल्स पोलियो अभियान था, तो पल्स पोलियो अभियान को जन जन तक पहुंचाया गया, लोगों ने घरों तक स्वास्थ्य के कर्मचारियों ने और बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिन जो इससे जुड़े हुए थे वो घर घर जाकर इस पल्स पोलियो अभियान को कारगर बनाने में रुचि पैदा कर रहे थे लोगों के अंदर, तभी आज हमारा भारत पोलियो से मुक्त भारत कहलाता है। इस समय कई ऐसे और भी बीमारियां चल रही हैं जैसे दिमागी बुखार, और ऐसे कई अभियान चल रहे हैं बहुत से राज्यों में स्वास्थ्य को लेकर जिनके प्रति लोगों की रुचि पैदा की जाए और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जाए। इसलिए कई बार लोगों का कहना है कि जब तक सामान्य लोग नहीं जुड़ेंगे स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम में तब तक इसको सफल बनाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है सहभागिता, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जब कोई व्यक्ति सक्रिय होकर किसी भी कार्य में जो स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होता है, जैसे कि समूह चर्चा, जो ग्रुप डिस्कशन है, विशेषज्ञों द्वारा दी जाने वाली कुछ जानकारियाँ, कार्यशालाएँ ऐसी आयोजित की जाएँ जिससे कि स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रमों को सफल बनाया जा सके और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के प्रति लोगों की सजगता को और बढ़ाया जा सके। जैसे कि कोऑपरेशन, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कोऑपरेशन के लिए, आप घरों के बाहर कूड़ा मत डालिए, ये एक छोटा सा कोऑपरेशन हो सकता है आपकी तरफ से, हम सभी की तरफ से, नॉट ओनली फ्रॉम योर साइड, हम सभी को अपने आसपास की सफाई को बनाने में हमें एक दूसरे का की सहभागिता की ज़रूरत है, एक दूसरे के कोऑपरेशन की ज़रूरत है। संप्रेषण कम्युनिकेशन कहते हैं, किसी एक बात को दूसरे की बात तक आपने अच्छे से रखा और एक माध्यम जो है वो महत्वपूर्ण बन जाता है, चाहे वो भाषा का माध्यम हो, चाहे वो सोर्स हो, किस स्रोत से आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हो जा सकते हैं। जैसे कि जितना शिक्षित समाज होगा उतनी ही अच्छे जागरूकता फैलेगी, उतनी ही तेज़ी से वहाँ लोग स्वास्थ्य के प्रति तैयार हो पाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में अधिकतर उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है जिनके शिक्षा का स्तर या तो बहुत नीचे होता है या मध्यम स्तर का होता है, अतः ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भाषा शैली का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनकी भाषा जो है उनकी भाषा के हिसाब से ही उनको स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी दी जाए। और अगर भाषा शैली इन लोगों के लिए उच्च स्तर की हो जाएगी, जो निम्न स्तर के लोग हैं जिनके पास, या ये कहिए जो बहुत हिंदी के बारे में जानता है, इंग्लिश के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, अगर हम उससे अंग्रेजी भाषा में बात करने लगेंगे तो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो संप्रेषण इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिकल एजुकेशन प्रिंसिपल, कि हमें अपने कार्यक्रम को सफल बनाने में संप्रेषण जो है, हमारी जो भाषा शैली है, हमारा जो माध्यम है, वो स्रोत है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। स्रोत हमारा टीवी भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, सोशल मीडिया भी हो सकता है, फ़ोन भी हो सकता है, फ़ोन में रिंगटोन का माध्यम जैसे कि पैंडेमिक में सरकार द्वारा बनाया गया है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अंतर बस इतना होता है कि कोई देर से सीखता है, कोई जल्दी सीख जाता है, और ये उसकी रुचि पर डिपेंड करता है। जिन लोगों की इच्छा सीखने की जितनी अच्छी होगी उतनी तेज़ी से वो अपने अंदर उस कार्य को करने की प्रेरणा हासिल कर सकते हैं। हमारी प्रेरणा, अभिप्रेरणा खाने के लिए, हमें भूख लगती है तो हम खाते हैं खाना, हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, तो क्यों ना जब हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत होना है, सिर्फ हमारे भूख और प्यास से उसका संबंध ना हो, हमारे आसपास की सफाई से भी उसका संबंध हो। और प्राथमिक अभिप्रेरणा जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे भूख प्यास, इसके बारे में जैसे अब मान लीजिए हम कहें कि जो लोग गुटखा खाते हैं या जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको अपने आस, वो तो खुद अपने लिए स्वास्थ्य के लिए उनके हानिकारक है ही है, पर अपने आसपास जैसे गुटखा खा के थूकते हैं वो दूसरी जगह पे समाज के किसी भी स्थान पे, या सिगरेट पीते हैं वो समाज के आसपास कितने लोगों के पास उस धुएं का दुष्प्रभाव पड़ता है, ऐसा बिना जाने लोग करते हैं, लेकिन उनके अभिप्रेरणा स्तर उनका कुछ नहीं, क्योंकि उनको हम अगर बोलेंगे कि आप
खत्म कर दीजिए खाना, तो वो नहीं करेंगे क्योंकि वो उनकी आदत में आ गया, उनकी वो ज़रूरत हो गई है। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें सजग होना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा और स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों के साथ चलना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आप सीखें, कुछ चीज़ें हम सीखें, तो लाइफ और भी बेटर हो जाएगी और लाइफ को पैरेलल बनाने के, लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए हमें अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को प्राप्त करना पड़ेगा। बौद्धिक स्तर नेक्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल। शिक्षा देने से पूर्व यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस समूह के साथ बात कर रहे हैं, किस ग्रुप के साथ बात कर रहे हैं। यदि हम बहुत जटिल शिक्षा प्राइमरी लेवल के बच्चों को देंगे तो क्या होगा, और यदि हम उच्च शिक्षा दे रहे हैं और वहाँ पर बिल्कुल सरल एकदम ABCD पढ़ाने लगे तो क्या होगा। तो दोनों का इंटेलेक्चुअल लेवल को ध्यान में रखते हुए हम किस ग्रुप को, किस समूह को हम शिक्षा दे रहे हैं, किस समूह के साथ हम स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम को शामिल कर रहे हैं, इसका जानना भी बहुत ज़रूरी है और उन्हीं के स्तर के हिसाब से उनको ज्ञान दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व के बारे में जाने, जैसे कि शिक्षा परिवार और समाज में अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षित रीति रिवाज और आदतों के साथ संबंध के दृष्टिकोण को विकसित करती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य परक अच्छी आदतें डालने के रुझान को उत्साहित करती है। यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा ही हमें ये बताती है कि हमें किस तरीके की आदतों को अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के साथ जुड़ी जानकारी और उनके क्षेत्रों के बारे में बताती है, वह शिक्षित करती है। इस तरह उन्हें निजी व सामाजिक स्वास्थ्य समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने व उनसे निपटने में समर्थ बनाती है। जैसे कि डे टू डे लाइफ में कभी किसी के साथ कोई परेशानी आए या वो अस्वस्थ हो तो वो किस तरीके से डील करे, इसके बारे में जानकारी भी दी जाती है। जनसाधारण को मानव शरीर की बुनियादी प्रणालियों व कार्यों से अवगत कराती है। स्वास्थ्य शिक्षा जैविक, सामाजिक और शारीरिक विज्ञान में स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के कई स्रोतों को संगठित बनाती है और पूर्ण स्वास्थ्य का संकल्प स्थापित करने के लिए इन स्रोतों को सार्थक उपयोग कर सके, इस तरीके का ज्ञान स्वास्थ्य शिक्षा देती है। स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व न केवल सार्वजनिक शिक्षा से है बल्कि स्कूली शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा से भी है और ये हमारे संपूर्ण जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। स्वास्थ्य शिक्षा के जो कार्यक्रम हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा, एक विद्यालयी स्वास्थ्य शिक्षा। तो जनसाधारण को सामाजिक और पारिवारिक जिंदगी के साथ स्वास्थ्य शिक्षा तो गहरा प्रदान करते, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा की हम बात कर रहे हैं कि हम विद्यालयी स्वास्थ्य शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही जनसाधारण से जुड़ी हुई हैं। जनसाधारण को पारिवारिक नियंत्रण का ज्ञान की हिदायत देकर उनके अंदर जिम्मेदारी व आपसी सहयोग की भावना को विकसित करती है। स्वास्थ्य शिक्षा अंगहीन व लाचारों की शिक्षा में योगदान देती है और उन्हें उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए उत्साहित करती है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम बहुत ही वृहद है, स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व भी बहुत ही ज़्यादा हैं कि अगर हम इनको किसी भी छोटे उसमें बांटे कि छोटे दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम अपने आप में ही व्यापक है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना, बेहतर लाइफस्टाइल को डेवलप करने में स्वास्थ्य शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप इस पूरी स्लाइड के माध्यम से जो मैंने स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारियाँ दी, स्वास्थ्य शिक्षा के अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, सिद्धांत और महत्व के बारे में आज जो इस स्लाइड में बताया है, आप इनके साथ जाइएगा, इनको पढ़िएगा और अपने नोट्स को बनाते रहिएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ फिर से मिलूंगी, तब तक लिए धन्यवाद।